Assalamualaikum dear student, how are you? Welcome you superior group of colleges learning management system. Dear student, आज जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ लीव. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स थे साइलोफाइटा के, जो प्लांट्स थे लाइक राइनिया था, उसमें कोक्सोनिया था, इसी तरह से वो प्लांट जो थे दे आर विदाउट रूट एंड लीव्स, बट इन प्लांट्स में कहीं कहीं पे छोटी छोटी आउटग्रोथ थी जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन वो लीव्स नहीं थे क्योंकि इनमें सिर्फ स्टेम प्रेजेंट था जो कि नेकेड, जिसको हम कहते हैं विदाउट लीव प्रेजेंट था. और फिर इस ग्रुप में जो आउटग्रोथ बनी, उस आउटग्रोथ से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो लीफ की एवोल्यूशन जो है वो टेक प्लेस. लाइकोपोर्स यानी कि जो लाइकोफाइटा अगला इसका सब डिवीजन है ट्रैकियोफाइट्स का, वहां पे जाके स्मॉल लीफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ क्योंकि ये जो प्लांट थे इनका जो स्पोरोफाइट था उसमें लीफ स्टेम और रूट, ट्रू लीफ स्टेम और रूट्स प्रेजेंट थी लाइकोपोर्स में. और ये जो लीफ था इस लीफ को हम माइक्रोफिल कहते हैं. ये माइक्रोफिल इसलिए है कि एक तो ये स्मॉल इन साइज था, साइज इसका बहुत छोटा था, और दूसरा ये सिंगल वेन था यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक वास्कुलर बंडल की सप्लाई थी. वास्कुलर जिसको हम वेन का वर्ड वो कहते हैं, सिंगल वेन थी जो अनडिवाइडेड थी, इसलिए इसको माइक्रोफिल का नाम दिया गया. और लाइकोपोर्स जो लाइकोसीडा सब डिवीजन है उसके मेंबर्स को हम लाइकोपोर्स कहते हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, उनके लीफ जो थे स्मॉल थे, माइक्रोफिल थे. इसकी एवोल्यूशन के मुतालिक ये है कि जब ये इवॉल्व हुए तो वो जो एक छोटी सी इनिशन हुई यानी कि एक छोटी सी जो आउटग्रोथ थी जो कि विदाउट वास्कुलर सप्लाई थी, फिर ग्रेजुअली हो क्या हुआ उसके अंदर एक वास्कुलर बंडल जो है वेन जो है वो उसकी एक्सटेंशन हुई और वो वेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके इस लीव के अंदर प्रोड्यूस हुई, लिहाजा इस तरीके से ये माइक्रोफिल बन गया. अब जो दूसरा लीफ है उसको हम कहते हैं मेगाफिल, मैक्रोफिल भी इसको कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ. एक ऐसा लीव जिसमें मेन जो वेन है जिसको हम मिडरिब कहते हैं, दे आर डिवाइडेड इंटू द स्मॉलर वेनलेट्स जिनके छोटी छोटी वेन्स में ये डिवाइड होती है, और इसका लीफ जो ब्लेड है वो एक्सपेंड होता है यानी कि चौड़ा होता होता है दूसरे लफ्जों में, और ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, इनको हम माइक्रो मेगाफिल या मैक्रोफिल का नाम देते हैं, जो कि माइक्रोफिल की निस्बत साइज में कहीं बड़ा है. और फिर इसी के स्टेप्स जो है वो हम पढ़ते हैं कि जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स में डायकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम था जो प्रिमिटिव साइलोफिसिडा के मेंबर्स में था, और ये ग्रुप जो है वो 350 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट था यानी कि ये इसकी एवोल्यूशन हुई थी, तो उसमें तीन बेसिक एवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं जिसके रिजल्ट में एक मेगाफिल लीफ जो है वो इवॉल्व हुआ. पहला स्टेप जो है ओवर टॉपिंग है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है. ओवर टॉपिंग, ओवर टॉपिंग है क्या कि अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस, कि ये जो डायकोटोमस ब्रांचिंग थी इनकी अनइक्वल डेवलपमेंट हुई एरियर पोर्शन जिसको हम स्टेम भी कहते हैं, स्टेम की जो के जिसकी वजह से कोई ब्रांच जो है वो साइज में छोटी हो गई, किसी ब्रांच का साइज जो है वो बड़ा हो गया. मेन एक्सेस जैसे ही आपको नजर आ रही कुछ ब्रांचेस जो है वो साइज में बड़ी, कुछ ब्रांचेस साइज में छोटी, बट ऑल ब्रांचेस जो है दे आर डायकोटोमसली ब्रांच. डायकोटोमस को हम वाई शेप ब्रांचिंग सिस्टम भी कहते हैं कि हर ब्रांच जो है वो वाई शेप यानी कि आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती, जब भी डिवीजन होगी वो दो ब्रांचेस में होगी ऐसे ही है. और फिर ये अनइक्वल डेवलपमेंट की वजह से ये ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट होगी, कुछ ब्रांचेस ज्यादा ग्रो कर गई, कुछ ब्रांचेस का साइज कम रह गया. ये जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है इसको ओवर टॉपिंग का नाम दिया गया ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ. जब ये मुकम्मल हुआ तो फिर एक प्लान में
ऑल दीज ब्रांचेस जो है, जो डायकोटमस ब्रांचेस थी, वो तमाम की तमाम एक सिंगल प्लान में, जैसे ये नहीं, ये फिंगर्स हैं, डिफरेंट प्लान के अंदर प्रेजेंट है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, और ये साइज भी आप देखें डिफरेंट है, तो अनइक्वल ग्रोथ हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये तमाम की तमाम ब्रांचेस जो है वो ऐसे एक सिंगल प्लान में आ गई। जब सिंगल प्लान में आ गई, वन डायमेंशन में आ गई, तो इसको हम प्लेनेशन का वर्ड यूज करते हैं। थर्ड स्टेप था फ्यूजन और वेबिंग। फ्यूजन आपस में जुड़ जाना, वेबिंग का मतलब नेटिंग हो जाना। तो इनके दरमियान में जो गैप्स थे, जो डायकोटोमस ब्रांचेस के दरमियान में गैप्स थे, जो स्पेसेस थी, दे आर फिल्ड बाय शीट ऑफ पेरेन्केमा सेल्स। पेरेन्केमा सेल जो थी, उन्होंने इनके दरमियान में जो गैप्स थे, उन गैप्स को फिल कर दिया, और इस तरीके से ये ब्रांचेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई, और जुड़ने की इस तरीके से ये एक प्लान या फ्लैट लिमेना बन गया, जिसको हम लीफ ब्लेड का नाम देते हैं, और इस तरीके से ये लीफ जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। अब इस पूरे अरसे में ये यहां से शुरू होके कि एक डायकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम, जिसमें ओवरटॉपिंग हुई, कुछ ब्रांचेस छोटी कुछ बड़ी, और फिर ये वन प्लान सिंगल प्लान में डेवलप हुई, और फिर उनकी वेबिंग या फ्यूजन होगी, उनके दरमियान में पेरेन्केमा सेल्स जो है वो डेवलप कर गए, और इस तरीके से नेटिंग जो है वो कंप्लीट होगी। तो कहा जाता है कि इस पूरे प्रोसीजर को 15 to 20 million ईयर्स जो है वो स्पेंड हुए। तो इसके साथ ही आप हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बोर्ड में बार बार आता है, और इसके साथ साथ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला आपको खुशखुर्रम रखे, मेरी तरफ से अल्लाह।